मिक्स बहुत ही अच्छे से करना है, कंप्लीट इक्वल क्वांटिटी में जाना चाहिए आपके प्लॉट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, सरसों की फसल में पहले पानी ऑलमोस्ट किसान भाई दे भी चुके हैं और कुछ किसान भाइयों ने लेट बिजाई की है। जैसे कि हमारे राजस्थान में ठंड थोड़ी लेट शुरू होती है तो हम लेट बिजाई करते हैं, अभी पहला पानी दे रहे हैं। आज हम आपको लाइव दिखाएंगे सरसों की फसल में कौन कौन से रासायनिक फर्टिलाइजर, कौन कौन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम किस तरीके से मिक्स करके डालते हैं पहले पानी के समय। आप सेकेंड पानी के समय में भी कौन से फर्टिलाइजर डाल सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हमारे पास यूरिया फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन जिसमें 46% आता है, ये यूरिया फर्टिलाइजर है। एक साथ ही हम परचेज कर लेते हैं जिंक फर्टिलाइजर भी। आपकी जितनी फसल में आवश्यकता होती है, ऐसा होता है कई बार कि हमें जिस फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है वो अवेलेबल ही नहीं हो पाता, तो पूरी क्रॉप का एक साथ ही परचेज कर लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। एक तो कुछ कम प्राइस में भी अवेलेबल हो जाता है, कुछ डिस्काउंट भी हो जाता है ज़्यादा एक साथ परचेज करते हैं तो, और साथ ही ये भी होता है कि हमें टेंशन फ्री रहते हैं कि कौन सा फर्टिलाइजर अवेलेबल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो भी हम टेंशन फ्री रहते हैं। या और भी आगे आपको दिखाते हैं कौन कौन से फर्टिलाइजर हम डाल रहे हैं। तो भैया सबसे पहले ये यूरिया फर्टिलाइजर ये निकाल लो आप। दोस्तों, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जैसे कि आपने गोबर की खाद वगैरह यूज किया है, या कोई वर्मी कंपोस्ट आप डालते हैं, या हरी खाद भी आप तैयार करते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको रासायनिक फर्टिलाइजर की मात्रा कम कर देनी चाहिए। तो वैसे अगर केवल ही आप रासायनिक फर्टिलाइजर यूज करें तब तो आपकी यूरिया की मात्रा एक एकड़ में पहले पानी के समय सरसों में आपकी मात्रा रहेगी 40 से 45 केजी। तो ये हम अभी ले रहे हैं 30 केजी, क्योंकि हमने हरी खाद तैयार किया है तो उसमें हम मात्रा कम ही डालेंगे, साथ ही हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी यूज करते रहते हैं इसलिए मात्रा हम यूरिया फर्टिलाइजर की कम ही रखेंगे। बाकी बेसल डोज में भी हम कुछ मात्रा कम लेते हैं क्योंकि रासायनिक के बजाय हम ऑर्गेनिक भी यूज करते रहते हैं। सरसों की हम लार्ज स्केल पर खेती करते हैं, कितनी खेती करते हैं ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम्प्लीट ये यूरिया फर्टिलाइजर है हमारे पास, जो कि हम पहले पानी के समय में यूज करेंगे और कुछ मात्रा में सेकेंड पानी के समय में यूज करेंगे। इस अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं, अदरवाइज आपका कमेंट आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि हम कितनी दूरी में हमारी सरसों की खेती कर रहे हैं। साथ में गेहूं की खेती, सब्जियों की खेती भी करते हैं, इवन कि किचन गार्डनिंग भी करते हैं। तो पहला हमने ये लिया है दोस्तों यूरिया फर्टिलाइजर, और ये लगभग 30 केजी के करीब हमने ले लिया है। दोस्तों, यूरिया गोल्ड आपके पास अवेलेबल होने लग गया तो कमेंट कीजिए। हमें अभी हमारे एरिया में यूरिया गोल्ड फर्टिलाइजर अभी अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम जो पुराना 46% नाइट्रोजन वाला यूरिया फर्टिलाइजर मिलता था वही हम यूज कर रहे हैं अभी। अब यूरिया फर्टिलाइजर में दोस्तों सेकंड हम जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सरसों की फसल हो या गेहूं की फसल हो, इस समय की सभी फसलों में मोस्टली कमी आती है जिंक की, क्योंकि फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइजर हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, जिसमें कि भी किसान भाई सबसे ज़्यादा DAP फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। फॉस्फोरस की अधिक मात्रा से जिंक की कमी हमारे लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में देखने को मिलती है, सभी प्रकार की फसलों में जिंक की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। नई पत्तियों में पीलापन आ रहा है या फिर नहीं भी है, तब भी आपको कुछ मात्रा में जिंक जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर क्रॉप छोटी है तो फुटाव अच्छा होता है। जिंक माइक्रो न्यूट्रेंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, बहुत कम आवश्यकता होती है लेकिन इसकी कमी से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए जिंक भी जरूर यूज करना चाहिए। दोस्तों, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था दानेदार फॉर्म वाले जिंक, लेकिन ये हमें अभी कम मात्रा में अवेलेबल हुआ है इसलिए हम दानेदार को यूज नहीं कर रहे हैं अभी सरसों में, हम पाउडर वाली फॉर्म को ही यूज कर रहे हैं जो कि ये जिंक फर्टिलाइजर है। कंप्लीट हम एक साथ ही बैग परचेज कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ये कंप्लीट जिंक का है, 10 बैग आते हैं एक साथ में और ये एक बैग 4 केजी का है। दोस्तों, जिंक हम यूज कर रहे हैं ये 33% वाले जिंक, ये देखिए मैं पास से दिखाऊं तो ये देखिए 33% वाले जिंक है, जिसमें जिंक 33% है और सल्फर आता है 15%,
33% वाली जिंक आपको सरसों की क्रॉप में यूज करनी है दोस्तों। ये 4 kg का बैग आता है, ये आप यूज कर लीजिए, सफिशियंट रहेगा। अगर डिफिशियंसी है तो 5 से 6 kg भी यूज कर सकते हैं, कमी आपको दिखाई दे रही है क्रॉप में। तो गेहूं की फसल में आपको ज़्यादा यूज करनी है, ये 2 bag आप यूज कर लीजिए, यानी कि 8 kg यूज कर लीजिए। गेहूँ की क्रॉप में जिंक की डिफिशियंसी ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। जिंक की प्राइस की बात की जाए तो ये 4 kg का बैग अगर आप अलग से लेते हैं तो इस पे MRP है 600 रुपये। आप कमेंट करके बताएं कि आपको जिंक फर्टिलाइज़र कितने में अवेलेबल होता है और कितने kg का बैग आपके एरिया में अवेलेबल होता है। ये मोस्टली 4 kg का बैग ही अवेलेबल होता है, जिंक सल्फेट इसे कहते हैं दोस्तों। कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, इनडायरेक्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि यूरिया को हम जब भी इसको डालेंगे तो हमारी फसल स्वस्थ हरी भरी एकदम से बढ़वार फुटाव अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन हम SSP फर्टिलाइज़र डालते हैं उसका डायरेक्ट रिजल्ट हमें नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट रिजल्ट मिलता है। वैसे ही सीविड एक्सट्रैक्ट आता है दोस्तों, समुद्री घास, समुद्री शैवाल, समुद्री खरपतवार, उससे निर्मित ये फर्टिलाइज़र आता है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट कभी नहीं मिलता, इनडायरेक्ट रिजल्ट मिलता है। और ऑर्गेनिक बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र आते हैं जिनका डायरेक्ट रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट रिजल्ट ही मिलता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो जो भी मिल जाए आपको यूज कर लेने चाहिए, सस्ते में जो भी मिल जाते हैं अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। हम मोस्टली यूज करते हैं दोस्तों इफ़को की सागरिका सीविड एक्सट्रैक्ट, बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे फर्टिलाइज़र आते हैं, तो आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। रूट डेवलप के लिए बहुत अच्छा है, फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो इसलिए सीविड एक्सट्रैक्ट हम डाल रहे हैं। ये दानेदार फॉर्म में आते हैं दोस्तों। अगर आप फसल बिजाई के समय में आपने सीविड एक्सट्रैक्ट यूज किया है तब आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन हमने दोस्तों अभी पहले पानी के समय में हम यूज कर रहे हैं दोस्तों। ये गुजरात राजकोट की कंपनी है, वहाँ से ऑर्डर करना होता है। भैया इसको ओपन कर लो, कट कर लो ये पहले। ये भी बहुत सारी चीज़ों से मिल करके बना हुआ फर्टिलाइज़र होता है, जैसे कि काव मैन्योर, चिकन मैन्योर है, या एलोवेरा है, कोकोपीट आता है इसमें, सीविड एक्सट्रैक्ट भी आता है। सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया। बहुत सारे फर्टिलाइज़र ऐसे होते हैं जिनका इनडायरेक्ट रिजल्ट मिलता है, तो वो भी एक इस तरीके का ही फर्टिलाइज़र है। रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं हमारी क्रॉप में, इसलिए आप भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूर यूज करें, जितना हो सके आप यूज करें। अभी ये 25 kg का बैग है दोस्तों हमारे पास, तो ये कम्प्लीट हम 1 acre में यूज करेंगे, 1 acre की डोज हम तैयार कर रहे हैं। सीविड एक्सट्रैक्ट की मात्रा 8 से 10 kg आपको रखनी है। हाँ ये ओपन कर लो। न्यू लीफ ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइजर ऑर्डर करने के लिए दोस्तों आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर पे आप व्हाट्सएप करें और भी डिटेल से जानकारी ले सकते हैं, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। गेहूं की क्रॉप है तो गेहूं में दोस्तों सीविड एक्सट्रैक्ट या न्यू लीफ में से एक फर्टिलाइज़र कम से कम आपको ज़रूर डालना है, और दोनों मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो फिर आपको दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा है सीविड एक्सट्रैक्ट प्लस न्यू लीफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ये देखिए ये इस टाइप का न्यू लीफ ऑर्गेनिक मैन्योर आता है, ये न्यू लीफ नाम से ये काफ़ी फेमस है, लेकिन हर किसी शॉप पर अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए इसको ऑर्डर करके मंगवाना होता है। अब इन सबको हम मिक्स करके दोस्तों और पानी के पहले हम डाल देते हैं, ताकि पानी जब भी चलाएंगे, स्प्रिंगलर से सिंचाई करते हैं तो इसलिए पानी चलाएंगे तो आराम से अच्छे से इजी से ये घुल जाए। कुछ किसान भाई है जो खुला पानी देते हैं, जैसे कि नहर वगैरह के आसपास की अगर जगह है जहाँ पे खुला पानी चलाते हैं, पानी से भरते हैं अच्छे से, तो वो किसान भाई हैं जो कि पानी के बाद तुरंत बाद में भी छिट्टा विधि से डाल देते हैं, छिड़काव करके डाल देते हैं। लेकिन स्प्रिंगलर से आप सिंचाई कर रहे हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप पहले ही डाल दें, क्योंकि पानी के अगर बाद में आप डाल रहे हैं दोस्तों तो ये होता है कि लीफ पर अगर ये कहीं पे भी यूरिया फर्टिलाइज़र, यूरिया का दाना अगर गिर गया और वहाँ पे चिपका रह गया तो वहाँ पे स्पॉट बन जाएगा, उस लीफ को जला देगा। तो इसलिए बेस्ट होता है दोस्तों कि आप कम क्वांटिटी में बार बार यूज कर लें, लेकिन पानी से पहले आप डाल दें। अगर आप छिड़काव करके डालते हैं तो स्प्रिंगलर से सिंचाई करते हैं उसमें बेस्ट होता है, छिड़काव करके डालते हैं किसान भाई मोस्टली। लास्ट में विशेष सावधानी आप जरूर ध्यान रखें, मिक्स करके लंबे समय तक आप नहीं रखें, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आता है, ये थोड़ा सा इसमें नमी आती है तो यूरिया पिघलने लग जाता है, थोड़ा सा हल्का सा
पिघलने लग जाएगा, इसलिए आप इसको मिक्स करके तुरंत ही अपने प्लॉट में डाल दें। हमें काफ़ी दूरी में डालना है, लेकिन इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा मिक्स कर रहे हैं ताकि मिक्स करें और प्लॉट में डाल दें। मिक्स बहुत ही अच्छे से करना है, कंप्लीट इक्वल क्वांटिटी में जाना चाहिए आपके प्लॉट में। लास्ट में दोस्तों एक बार मैं डोज रिपीट कर देती हूँ। यूरिया फर्टिलाइज़र हमने 30 केजी लिया, अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिक्स कर रहे हैं तो 30 केजी सफिशियंट है, लेकिन रासायनिक फर्टिलाइज़र ही आप ज़्यादा यूज करते हैं तो 40 से 45 केजी यानी कि एक बैग तक आप यूरिया का यूज कर लीजिए। तो गेहूँ में भी मात्रा इतनी रहेगी यूरिया की। और सेकंड दोस्तों, ये जिंक सल्फेट हमने यूज किया है, तो जिंक सल्फेट 4 केजी सरसों की फसल में सफिशियंट है। कमी दिख रही है फसल में, पीलापन आ रहा है, तो 5 से 6 केजी तक आप यूज कर सकते हैं। और अगर गेहूं की फसल है तो आप 2 बैग 4-4 केजी के 2 बैग यूज कर लीजिए, 8 केजी आप यूज कर लीजिए यूरिया के साथ में। ये तो इम्पोर्टेंट है, आपको डालने ही डालने हैं। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में इफको की सागरिका 8 से 10 केजी का ये बैग आता है, 8 से 10 केजी आप यूज कर लीजिए। सीविज एक्सट्रैक्ट किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, हमने इफको की सागरिका ली है। 4th नंबर पे हमने लिया है न्यू लीफ ऑर्गेनिक मेन्योर, ये 25 केजी का बैग आता है, कंप्लीट हमने 25 केजी यूज किया है। गेहूं में भी दोस्तों यही रहेगा, सागरिका सेम 8 से 10 केजी, और न्यू लीफ अगर आपके पास अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं, और न्यू लीफ को भी आप 25 केजी तक आराम से यूज कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा पानी अगर स्प्रिंगलर से सिंचाई करते हैं, पहले छिड़काव कर दें फिर पानी चला दें, क्योंकि दोस्तों अगर स्प्रिंगलर से सिंचाई करते हैं तो बेस्ट रहता है, इसलिए कि यूरिया जहाँ पे भी पत्ते या पत्ते के बीच में रह गया यूरिया का कोई भी दाना, तो पत्ते पे स्पॉट कर देगा, जला देगा, वहाँ से पत्ते पे स्पॉट हो जाएगा, तो इसलिए बेस्ट होता है कि पहले छिड़काव कर दें फिर आप पानी चला दें। तो ये दोस्तों सरसों और गेहूँ की फसल में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, इस तरीके के आप फर्टिलाइज़र मिक्स करके आप डाल दीजिए। और आगे भी मेरे वीडियो आते रहेंगे इसी तरीके से लाइव, तो लाइव अगर आप देखना चाहते हैं, सरसों गेहूँ की खेती कर रहे हैं दोस्तों, या फिर आप बागवानी या सब्जियों की खेती कर रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का हमारा प्रयास अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।